नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम सच की तह तक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने, भारत सिंह यादव जी हैं जो वरिष्ठ नेता पीडब्ल्यूडी हैं, जिन्होंने हर स्थान पर हर मंच पर हमेशा एक साथ भाग लेने के लिए जल्दी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारत भाई हैं जो जोरदार पहुंचा रहे हैं। 2004 में क्या है, सरकारी पेंशन नियुक्ति थी, अब क्या मिलेगी? प्राइवेट पेंशन मिलेगी, मतलब सरकार जो देती थी प्राइवेट कंपनियां देगी। तो पहला निजीकरण तो पेंशन में ही हुआ, नहीं मानते? एनपीएस निजीकरण का पहला प्रोजेक्ट है, पहली चीज है, पहली शुरुआत है। ये अलग गांधी जयंती पर आज गांधी भवन के करीब निजीकरण के विरोध में जटेवा संगठन प्रदर्शन कर रहा है, एक बैठक कर रहा है। बैठक में निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, निजीकरण का विरोध ये तो पूरे प्रदेश में भी किया जा रहा है। लेकिन जानते हैं अशोक कुमार जी से, अशोक जी क्या कहना चाहेंगे आज की जो बैठक है, निजीकरण पर किस तरह का मंथन चल रहा है, क्या रणनीति है और क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अच्छी तरह से आँख कान खोल के देख चुके हैं। 2020 में जब कोविड काल शुरू हुआ था, उस दौरान में चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे बिजली विभाग, चाहे नगर निगम, चाहे जल निगम या और भी जितने संस्थान थे, वही सरकारी संस्थान खुले थे, बाकी सारे प्राइवेट बंद थे। उसके बावजूद इनको कौन सी बुद्धि आ गई है माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि आप निजीकरण करने जा रहे हो हर चीज का? हमारे समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा कर रहे हो। एक तरफ तो आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम बता दें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में महिला संबल हमारे यहाँ 90% है, महिलाओं जो हमारी महिलाएं परमानेंट जॉब पाती उसको 60,000 तनख्वाह मिलता है, और जिसको आप निजीकरण के जरिए ला रहे हो उसको 18,000 देते हो। क्या मोदी जी यही आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर रहे हो? हम ही एक महिला नहीं, कहीं भी किसी भी संवर्ग में बात करो, जो परमानेंट एम्प्लॉई है उसको 50,000 तनख्वाह या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको 12,000, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 12,000। क्यों मजाक कर रहे हैं हम लोगों के साथ? ऐसे ही करना था तो हमारे पूर्वज क्यों देश आजाद कराए थे? आज कहाँ तुमने पहुँचा दिया हम लोगों को? तो बीजेपी का साथ दिया था आप लोगों ने, चुनाव भी आने वाला है, किस तरह से जवाब देने वाले हैं अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो? बिल्कुल पूरा कर्मचारी मूड बनाया है 2022 में बीजेपी का, ईंट से ईंट बजवा देंगे हम लोग अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, चाहे वो निजीकरण हो चाहे एनपीएस हो। कोई एक आदमी, हमारे सारे लोग कूद कूद के हम लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को। वैसे पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ा आंदोलन हुआ था, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से लखनऊ आ गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल कराया जाएगा, उसके बारे में क्या कहना है? माननीय योगी जी तो सिद्ध पुरुष साधु मंत्र, इतने बड़े मठ के मठाधीश रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है शर्म भी आती है। उन्होंने तो एक लेटर जारी किया था बाकायदा मनमोहन सिंह जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। आज माननीय योगी जी काहे अकल के दुश्मन हो गए, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? हम लोग तो इनको इतना भला समझते थे, कितने बढ़िया आदमी है, हम लोग की सारी जय जयकार होगी इनके आने से, लेकिन मारा इन्होंने तो धोखा दे दिया। अब 4.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर 6 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे उसमें भी कुछ कर देते हैं तो जय जयकार फिर इनकी करेंगे हम लोग, फिर उनको वोट देंगे। अगर नहीं मिला तो 2022 में एक वोट हमारा पूरे देश का कर्मचारी इनको नहीं देगा, प्रदेश का नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ अशोक कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जटेवा जो संगठन है उसके माध्यम से सभी वर्ग प्रदर्शन कर रहे थे, और अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो ये आंदोलन करेंगे और वोटों का बहिष्कार करेंगे, जिस तरह से बीजेपी को सत्ता में लाए थे उसी तरह से ये वापस भी भेजने का काम करेंगे। इनका कहना है पुरानी पेंशन को लेकर जो उनकी मांगे थी, जो सभी सरकारी वर्गों ने आंदोलन किया था, संगठनों ने पूरा राजधानी जाम किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। अगर उनकी मांगों पर विचार किया गया तो ये सभी बीजेपी का साथ देंगे, अन्यथा वोटों का बहिष्कार करेंगे, विपक्ष का साथ देंगे। सहयोगी गिरिजेश के साथ मैं विक्रम लखनऊ।